भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। यहां दूर दूर तक फैला थार का रेगिस्तान है। यानी रेत का समंदर। यहां बारिश सबसे कम होती है और गर्मी सबसे ज्यादा, इसीलिए इस क्षेत्र का जीवन भी सबसे अलग है। चाहे कृषि प्रजातियां हों अथवा पशु प्रजातियां, कम बारिश और लगातार अकाल के कारण यहां कृषि पर निर्भरता भी कम है, इसलिए पशुपालन यहां के जीवन का मुख्य आधार है। गाय, भैंस और ऊंट के अलावा भेड़ यहां पशुधन का मुख्य हिस्सा हैं। भेड़ों में विभिन्न आयामों पर अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार ने सन 1962 में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। राजस्थान की राजधानी जयपुर से 85 किलोमीटर दूर मालपुरा में स्थापित यह संस्थान एशिया का प्रमुख संस्थान है। 1510 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस संस्थान के देश में 3 उपकेंद्र भी हैं। पहला उपकेंद्र 1963 में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्रीय केंद्र के नाम से, दूसरा सन 1965 में तमिलनाडु के कोडाई कैनाल में दक्षिण क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र के नाम से, तथा तीसरा सन 1974 में बीकानेर में मरुक्षेत्रीय परिसर के नाम से स्थापित किए गए। ये संस्थान भेड़ और खरगोश के उत्पादन की सभी मूलभूत और व्यावहारिक तकनीकों पर शोध करता है। इसके साथ ही मांस, तंतु और खाल की तकनीक का विकास कर उसका प्रमाणीकरण, भेड़ और खरगोश उत्पादन तथा उपयोगिता पर प्रशिक्षण, विकसित तकनीकियों को किसानों, शिल्पकारों और विकास कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना तथा इसके संबंध में विशेषज्ञ और परामर्शदात्री सेवाएं देता है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान ने अनेक महत्वपूर्ण तकनीकें विकसित करने में सफलता हासिल की है। इसमें मांस के लिए मेमना उत्पादन तकनीक, ऊन तथा ऊंट के बालों के मिश्रण से तैयार ऊनी उत्पाद और हस्त निर्मित नमदे, भेड़ों के लिए उपयुक्त स्वास्थ्य प्रबंध, पशुधन फार्म के लिए बीमारियों के आंकड़ों की सूचना पद्धति, तरल हिमीकृत वीर्य द्वारा भेड़ों में कृत्रिम गर्भाधान, अधिक चारा उत्पादन के लिए वन चारागाह विकास, कम गुणवत्ता वाले भूसे का यूरिया उपचार द्वारा परिपूर्णन तथा मोटे चारे और दाने के मिश्रण से संपूर्ण आहार वट्टिका का विकास करना मुख्य उपलब्धियां हैं। संस्थान में शोध कार्य के लिए कई विभाग हैं। इनमें पशु अनुवांशिकी एवं प्रजनन विभाग, शरीर क्रिया एवं जीव रसायन विभाग, पशु पोषण विभाग, चारा एवं चारागाह विभाग, पशु स्वास्थ्य विभाग, ऊन प्रौद्योगिकी विभाग, खरगोश पालन विभाग, मांस विज्ञान विभाग तथा तकनीकी स्थानांतरण एवं सामाजिक विज्ञान विभाग प्रमुख हैं। पशु अनुवांशिकी एवं प्रजनन विभाग ने शुरू में विदेशी नस्लों के साथ संकर प्रजनन द्वारा अविकालीन, अविवस्त्र, अविमांस तथा भारत मेरिनो नस्लों का विकास किया। बाद में संस्थान ने देसी नस्लों जैसे मालपुरा, मारवाड़ी, चोकला तथा मगरा नस्लों को चयनात्मक विधि से संवर्धित किया। भेड़ों में बहुप्रसूता के लिए गिरौल और मालपुरा नस्लों को मिलाकर नई जीएम नस्ल विकसित की है, जो मांस उत्पादन को बढ़ाने में सहायक है। शरीर क्रिया एवं जीव रसायन विभाग ने मेड़ों के वीर्य को संरक्षित करने के लिए हिमीकृत प्रोटोकॉल विकसित किया। भेड़ों की नस्ल सुधार के लिए तरल वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान पद्धति तथा भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक का विकास किया है। भेड़ों को एक साथ मद में लाने के लिए स्वदेशी स्पंज विकसित किए हैं। अर्धशुष्क जलवायु में विभिन्न भेड़ नस्लों की अनुकूलता पर शोध किए गए। पशु पोषण विभाग ने सघन खिलाई पिलाई पद्धति द्वारा मेमनों के पालन में महत्वपूर्ण कार्य किया है।
प्राकृतिक आपदा अथवा सूखे की स्थिति में भेड़ों के पोषण के लिए संपूर्ण आहार वट्टिका तैयार की है। भेड़ों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए क्षेत्र आधारित खनिज मिश्रण तैयार किया है। इसके अलावा सूखा चारा, अनाज, मूंगफली तथा तिल की खली, खनिज मिश्रण और नमक मिलाकर ऐसा पौष्टिक आहार विकसित किया है जो किसानों को दोगुना लाभ दिला सकता है। चारा एवं चारागाह विभाग ने पशु चारे के विकास की पद्धतियां विकसित की हैं। इसमें कृषि वानिकी, वन चारागाह और उद्यान चारागाह प्रमुख हैं। त्रिस्तरीय कृषि वानिकी पद्धति में खेजड़ी और अड़ू के पेड़ों के साथ साथ दोनों ओर सेवन और अंजन घास के साथ फसल लगाई जाए तथा बीच में चारा झाड़ियां लगाई जाएं। इससे अधिकतम अनाज, चारा और ईंधन लकड़ी एक साथ प्राप्त की जा सकती है। ये पद्धति पशुपालन को सुदृढ़ करके किसान की आय को सुनिश्चित करती है। पशु स्वास्थ्य विभाग रोगों का निदान और रोकथाम के उपायों को विकसित करके रेवड़ में मृत्यु दर में कमी करने का काम करता है। विभाग ने बीमारियों के आंकड़े को कंप्यूटर पर व्यवस्थित करके सूचना तंत्र का विकास तथा रेवड़ के लिए सुनियोजित वार्षिक भेड़ स्वास्थ्य कैलेंडर तैयार किया है। विभाग के अनुसंधान के आधार पर भेड़ों को साल में चार बार अंतः कृमिनाशक दवा पिलाने के स्थान पर एक बार ही दवा पिलाकर अनावश्यक खर्च को कम किया। भेड़ों में अंतःकृमियों के नियंत्रण के लिए एनीमिया चार्ट तथा चयन पद्धति द्वारा अनुवांशिकी प्रतिरोधकता का विकास किया है। पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वारा रेवड़ में वार्षिक मृत्यु दर 20% से घटाकर 5% करने में सफलता हासिल की है। ऊन प्रौद्योगिकी विभाग ऊन की गुणवत्ता एवं मूल्य संवर्धन बढ़ाने के लिए कार्य करता है। विभाग ने मगरा और मारवाड़ी भेड़ से प्राप्त ऊन द्वारा उच्च गुणवत्ता वाला हस्तनिर्मित कालीन बनाने में सफलता हासिल की है। इसके अलावा भारत मैरिनो तथा अंगोरा रेशों को मिलाकर उच्च गुणवत्ता के शॉल बनाने की तकनीक को विकसित कर व्यावसायिक उत्पादन के लिए हस्तांतरित किया गया है। साथ ही ऊन के अन्य उत्पाद जैसे कंबल, फेल्ट के निर्माण एवं वनस्पति रंगों के उपयोग पर शोध किया जा रहा है। संस्थान में खरगोश के मांस, खाल तथा ऊन के उत्पादों को विकसित कर खरगोश पालन को अधिक लाभदायी व्यवसाय बनाया जा रहा है। खरगोश की खाल से टोपी, दस्ताने, पर्स, जैकेट जैसे उत्पाद बनाए जाते हैं। दूध तथा मांस वृद्धि के लिए सिरोही नस्ल की बकरियों पर भी शोध किए जा रहे हैं। मांस विज्ञान विभाग भेड़ों में शरीर के विभिन्न हिस्सों के मांस की गुणवत्ता का आंकलन करता है। साथ ही इस विभाग में मांस के मूल्य संवर्धन के लिए नए स्वादिष्ट उत्पाद बनाने पर शोध किया जाता है। तकनीकी हस्तांतरण एवं सामाजिक विज्ञान विभाग संस्थान द्वारा विकसित की गई विभिन्न तकनीकियों को भेड़ पालकों तक पहुंचाता है। इसके लिए संस्थान अंगीकृत गांवों में भेड़ पालकों को उन्नत मेड़े उपलब्ध कराता है। गांवों में शिविर, संगोष्ठी, प्रशिक्षण और अन्य प्रचार माध्यमों द्वारा नई तकनीक की जानकारी दी जाती है। भेड़ पालकों के जीवन स्तर पर इसके प्रभाव का अध्ययन करता है। ये विभाग देश भर में लगने वाले विभिन्न कृषि एवं पशु मेलों में प्रदर्शनी भी लगाता है। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान का जन्म 4 जनवरी 1962 मालपुरा तहसील के निकट टोंक जिले में राजस्थान में हुआ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्यरत है। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य भेड़ों की उत्पादन क्षमता बढ़ाना, गरीब किसान जो भेड़ पालक हैं उनकी आमदनी को दुगना करना, इस उद्देश्य से भेड़ उत्पादन की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए कार्यरत है। भारत में भेड़ों की संख्या पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर है। पहला स्थान चाइना, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और तीसरे नंबर पर
भारत की भेड़ों की संख्या करीब 6.5 करोड़ के लगभग है, परंतु अभी पूरे विश्व में जो इनकी उत्पादन क्षमता है उसमें भारत का स्थान काफ़ी पीछे है। हमारा संस्थान का प्रयास है, हमारे वैज्ञानिकों का ये प्रयास है कि किसी प्रकार से भारत की भेड़ों का विकास किया जाए, उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाए और उसके लिए हमारे यहाँ पर नई नई तकनीकों का विकास किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य है कि भारत के जो भेड़ पालक हैं वो वैज्ञानिक तरीके से भेड़ पालन करें और अपनी आमदनी दुगनी करने की ओर कार्यरत रहें। इसी उद्देश्य को लेकर अभी हमारे संस्थान में कई नई नई तकनीकों का विकास किया गया है। उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए हमने हमारे वैज्ञानिकों ने जो यहाँ की प्रजातियाँ हैं उनका विकास कर नई प्रजातियों का निर्माण किया है, जिससे उनकी प्रजनन क्षमता दुगनी की जा सके, उनकी वृद्धि दर बढ़ाई जा सके, उनकी मृत्यु दर कम की जा सके और इससे ओवरऑल जो प्रोडक्शन है यानी जो शीप यानी जो भेड़ से मांस और ऊन का उत्पादन होता है उसका उत्पादन भी बढ़े और गुणवत्ता भी बढ़े, जिससे उसकी मार्केटिंग के साथ साथ किसान की आमदनी अच्छी बढ़ सके। अभी हमारे संस्थान में जो तकनीकियाँ विकसित की गई हैं जैसे पशु पोषण में कई प्रकार के नए आयाम स्थापित किए गए हैं, उसमें मुख्य ये है कि हम यहाँ के आसपास जितनी भी तरह के आपके घास फूस या जो उसके प्लांट या जो इसके बाद पेड़ पौधे हैं उनसे जो आहार मिल रहा है उसकी आहार की गुणवत्ता बढ़े, उसको हम रखकर आसानी से लंबे समय तक रख सकें और उसकी प्रणव पोषण का पूर्ण कर सकें। इसी तरह से हमारे जो प्रजनन क्षमता है वो बढ़ाने के लिए यहाँ एक तकनीक का विकास किया गया है, जिससे जो एक भेड़ एक साल में एक मेमना पैदा कर रही थी अब वो एक साल में 1.5 यानी करीब 2 साल में 3 मेमने पैदा कर सके, इसी तकनीक का विकास यहाँ किया गया है जिससे उसकी प्रजननता बढ़ी है और मेमने देने की दर अब 1.5 गुना बढ़ चुकी है। इससे जितने मेमने आएंगे उससे उतनी ही उसकी इकोनॉमी यानी आमदनी किसान की बढ़ेगी। पालन पोषण में और मृत्यु दर कम करने में और उसके रख रखाव में कई नई तकनीकों का विकास हुआ है। संस्थान का एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि जो तकनीकी का विकास संस्थान में हो रहा है वो किसी तरह से किसान तक पहुँचे, हमारे गरीब भेड़ पालकों तक पहुँचे, जिससे उनकी जीवन निर्वाह या जीवन शैली बदल सके। इस संस्थान ने अभी फिलहाल ही पिछले विगत वर्षों में करीब 54 गांवों में अपने तकनीकों का प्रसार किया है। इस प्रसार के अंतर्गत हमने ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से या मेरा गांव मेरा गौरव के माध्यम से या सांसद आदर्श ग्राम के माध्यम से और अन्य कई माध्यमों से हम किसान के घर तक पहुँचे। अभी इन तकनीकों का विकास अगर संस्थान में होता है और यदि ये किसान के पास नहीं पहुंचता है तो ये इसका कोई एक हमारा मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं होता है। संस्थान के मुख्य उद्देश्य में इन तकनीकों का प्रचार प्रसार करना, किसान तक पहुंचाना और किसान की आमदनी को बढ़ाना और उनको भेड़ पालन जो वैज्ञानिक तरीके से होता है उस प्रकार से कर कर अपना उनकी भेड़ों की उत्पादन क्षमता बढ़ाना, ये हमारा संस्थान कार्यरत रहा है और रह रहा है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान ने अपने सतत प्रयासों से भेड़ उत्पादन तकनीक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संस्थान ने नई नस्लें और तकनीक विकसित की है, उसका प्रभाव राजस्थान के पशुपालन परिदृश्य पर स्पष्ट देखा जा सकता है। संस्थान के प्रयासों का सफर अभी जारी है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें डायरेक्टर सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अविकानगर 304501 राजस्थान फोन 9114372201622 फैक्स 9114372201
1437220163, ईमेल cswriavikanagar@yahoo.com, वेबसाइट www.cswri.res.in, ग्राम शीप इंस्ट मालपुरा।